नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद, एक गिरफ्तार। जेएनएमसीएच में टीवी एवं चेस्ट विभाग में होगी पीजी की पढ़ाई, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी मान्यता। बारिश नहीं होने से किसानों में छाई मायूसी, सरकार द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने से धान की रोपनी प्रभावित। और व्हाट्सएप ग्रुप में दो महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीणों ने महिलाओं की जमकर की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने हथियार निर्माण के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। दरअसल भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दौना गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सजौर पुलिस और वर्जा टीम की मदद से भागलपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जबकि छापेमारी टीम ने मौके से मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। डीएसपी गौरव कुमार ने कहा कि सजौर थाना क्षेत्र के दौना गांव में गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद इकराम के घर पर छापेमारी की गई, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जबकि मौके से भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री और कई छोटे बड़े अर्धनिर्मित हथियार के साथ एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन, लोहे की पाइप और बैरल ड्रिल मशीन बरामद हुआ है। जबकि मौके से पुलिस टीम ने दौना गांव निवासी औरंगजीब के पुत्र आरोपी मोहम्मद इकराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद इकराम से पूछताछ के आधार पर दो और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इस अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर पुलिस मुंगेर गन फैक्ट्री और हथियार बनाने वाले से लिंक का भी पता लगा रही है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के टीवी एंड चेस्ट विभाग में अब पीजी की पढ़ाई होगी, जिसको लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी स्वीकृति दे दी है। एमडी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए सत्र 2022-23 से प्रतिवर्ष 2 सीट पर नामांकन होगा। बता दें कि टीवी एंड चेस्ट विभाग में पीजी की मान्यता को लेकर एनएमसी की टीम ने जुलाई माह में मायगन अस्पताल का निरीक्षण किया था। इधर करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी की पढ़ाई को लेकर एनएमसी से मिली मान्यता के बाद डॉक्टरों में काफ़ी खुशी है। वहीं टीवी एंड चेस्ट विभाग के एचओडी डॉक्टर शांतनु घोष, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत कई चिकित्सकों ने जेएनएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर उमाशंकर सिंह को बुके देकर बधाई दी। प्रोफेसर डीपी सिंह ने बताया कि यह विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एनएमसी के शर्त को ध्यान में रखते हुए विभाग में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद को भरने के लिए प्रिंसिपल ने सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर डीपी सिंह ने माइग्रेन अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की पढ़ाई का महत्व बताते हुए जानकारी दी कि कोरोना काल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेष ही लोगों की जान बचाने में कोरोना वॉरियर साबित हुए थे। साथ ही कहा कि इससे बिहार और झारखंड के मरीजों को काफी लाभ होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए ही नहीं, पूर्वी बिहार के लिए यह जो है फख्र की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि 9 साल से प्रयास के बाद हम लोगों को रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में एमडी का 2 सीट जो है स्वीकृत हुआ है और वह इसी सत्र से इसका जो है एडमिशन चालू हो जाएगा। आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन विशेष करके कोरोना में कितना महत्वपूर्ण विभाग है कि कोरोना में निमोनिया होता था और पूरे देश में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेषज्ञ या पल्मोनोलॉजिस्ट का काफ़ी मांग था और जान बचाने में यही कोरोना वॉरियर साबित हुए थे। और अभी इस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में न केवल हमारे पास आजमा क्लिनिक है, ब्रोंकोस्कोपी यूनिट है, एक बहुत ही अच्छा मशीन 18 लाख का जो है डीएलसीओ मशीन है, लेकिन हमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट की कमी जो है काफ़ी खल रही थी। इससे न केवल हमारा पढ़ाई का स्तर ऊंचा होगा बल्कि जो मरीजों का है, दमा के मरीज या सांस की बीमारियों के मरीज का, निमोनिया के मरीज को
काफी लाभ पहुंचेगा। बारिश नहीं होने के कारण इस वर्ष भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी प्रखंडों में धान की खेती काफी प्रभावित हो गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों में मायूसी छा गई है। वहीं इसको लेकर सनहौला के बोडा पाठकडी पंचायत के दर्जनों किसानों का कहना है कि इस बार इलाके में बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी नहीं हो पाई है, जबकि कुछ जगहों पर किसानों ने बांध, पोखर और पंपिंग सेट की मदद से खेत में पानी जमा कर धान की रोपनी की, लेकिन वह भी पानी के अभाव में बर्बाद हो रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं मुहैया कराने से इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि अगर सिंचाई की सुविधा मिलती तो उन्हें धान रोपनी में अधिक समस्या नहीं होती और अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन भी संभव था। बता दें कि सनहौला प्रखंड में 9,800 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें इस बार महज 26.84% भूमि पर ही धान की रोपनी हुई है। ये कि वर्षा नहीं हुआ, वर्षा नहीं और दूसरा कोई साधन नहीं है। चापाकल भी सूख गया, बोरिंग सूख गया, उसके बाद नदी का पानी सूख गया, नदी में पानी नहीं है, वर्षा नहीं है तो पानी कहाँ से होगा। थोड़ा सा पानी गंगा का आया तो वो भी चला गया। बोरिंग सा कितना खेत पर रोपनी कर रहे धान? क्या बीघा? एक बीघा में कितना खर्च पड़ेगा? सुल्तानगंज के करहरिया पंचायत स्थित पसराहा गांव में व्हाट्सएप ग्रुप पर दो महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल होने पर गांव के लोग भड़क गए और इस वीडियो के वायरल होने की खबर मिलने पर गांव वालों ने एकजुट होकर दोनों महिलाओं को घर से निकालकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि दोनों महिलाओं का गांव के ही 5 बच्चे के पिता के साथ अवैध संबंध है और इस महिलाओं के भी अपने बच्चे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला के 3 और दूसरी महिला के 4 बच्चे, इसमें से 3 बेटियां शादी करने योग्य हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की आपत्तिजनक हरकत और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल वीडियो से गांव की भी बदनामी हुई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से दोनों महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मारपीट की घटना में दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें लगी है। इसको लेकर पुलिस ने दोनों महिलाओं को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि वायरल आपत्तिजनक वीडियो में महिला के साथ दिख रहा पुरुष फिलहाल गांव छोड़कर फरार हो गया। इधर पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जमुई पुलिस महकमे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शेखपुरा से जमुई आने के दौरान सिकंदरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में उनके वाहन पर किसी ने फूलों की माला फेंक दी। इस दौरान सीएम के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मी कुछ पल के लिए सकते में आ गए, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी पर फूलों की माला को देखा तब स्थिति सामान्य हुई। हालांकि माला फेंकने वाले व्यक्ति को मौके से पुलिस अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति जदयू का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है और उसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। हालांकि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री के वाहन पर इस तरह से किसी भी वस्तु को फेंका जाना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला है। भागलपुर वन प्रमंडल एवं सृष्टि गंगा प्रहरी सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से सुल्तानगंज गंगा घाट पर माइकिंग कर लोगों को जलीय जीव मगरमच्छ के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान गंगा नदी समेत अन्य नदियों में मगरमच्छ जैसे जीव के संरक्षण पर भी जोर दिया गया। साथ ही लोगों से गंगा के जीव और वन्य जीव के संरक्षण को लेकर भी जोर दिया गया। लोगों ने कहा कि गंगा नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल दिखना नदी के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है, जबकि वन विभाग की ओर से जागरूकता के लिए मंदिर के पास एक बोर्ड भी लगाया गया है। मौके पर वनपाल सुभाष चंद्र यादव, गंगा प्रहरी मुकेश चौधरी, गौरव सिन्हा, आशुतोष आनंद शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। सिंह के रविवार को लेकर कहलगांव उत्तर वाहिनी गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। इसको लेकर सुबह से ही गंगा नदी में स्नान करने जाने वालों की भीड़ कहलगांव में देखी गई, जिससे कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंह नक्षत्र में पड़ने वाले रविवार को गंगा स्नान कर व्रत पूजन करने से घर में सुख समृद्धि के साथ संतान भी दीर्घायु होते हैं और इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष माताएं यह निर्जला व्रत पूजन करती हैं। बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक संघ भागलपुर की ओर से एक सभा का आयोजन कर जिला इकाई का गठन किया गया। इस दौरान अभय कुमार मिश्रा को अध्यक्ष, पंपेश कुमार को संयोजक, प्रभात रंजन को कोषाध्यक्ष, विक्रम कुमार को उपाध्यक्ष और मणि भूषण शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और वेतन वृद्धि के साथ समान काम समान वेतन को लेकर संगठन को एकजुट होने की बात कही। साथ ही अपनी मांगों का अपन भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा को सौंपा। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि इन लोगों की बहाली मात्र 8,000 रुपए प्रतिमाह पर की गई है। हालांकि यह सुनकर विधायक ने अचंभित होते हुए कहा कि वो इस बात को सरकार और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। मौके पर उप सचिव प्रेरणा, मीडिया प्रभारी रजनीश कुमार समेत दर्जनों नवनियुक्त शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक मौजूद रहे। भागलपुर में चल रहे 2 दिवसीय फर्स्ट इन्विटेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ हो गया। इस दौरान विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें समाजसेवी कुणाल सिंह और बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष राजकुमार रंजन, आयोजन सचिव पूजा राय समेत कई पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग की 20 टीम शामिल हुई। बॉक्सिंग टूर्नामेंट का फाइनल था, लगभग बिहार की सारी टीम पहुंच चुकी थी यहाँ पर और इसमें पटना की टीम ने ट्रॉफी को जीता है। फाइनल पटना की टीम ने जीता है, विनर वही हुई है और भागलपुर की टीम रनर रही है। काफ़ी अच्छा प्रतियोगिता हुआ, लड़कियों ने भी अच्छा खेला, लड़कों ने भी अच्छा खेला और काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल में ये टूर्नामेंट देखा गया। लोगों में काफ़ी उत्साह था क्योंकि ये ट्रॉफी श्रेयसी दीदी के द्वारा दिया गया था, जो खुद एक गोल्डन गर्ल है, उनके द्वारा ये ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ था। इसलिए लोगों जीत के लिए इस ट्रॉफी को काफ़ी ज़्यादा फाइट किया और ये फाइट लास्ट में पटना की टीम ने जीता, जिसके लिए पटना की टीम को आगे के लिए, आगे की जिंदगी के लिए और आगे की खेल भावना के लिए उनको मैं सलाम करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ। इन दिनों भागलपुर जीआरपी के एसआई अभिमन्यु कुमार सिंह और हवलदार रामाधार सिंह को पीरपैंती रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में रहकर गुजारा करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल विभाग की ओर से कमान काट कर इन दोनों को 7 अगस्त से भागलपुर से पीरपैंती रेलवे स्टेशन भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर एसआई अभिमन्यु सिंह ने कहा कि उन्हें ना तो सरकारी भवन में रूम उपलब्ध कराया गया है और ना ही सरकारी भवन रहते हुए पीरपैंती रेलवे प्रबंधक द्वारा उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है। वहीं हवलदार रामाधार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ आने वाले आम पब्लिक भी गलत बर्ताव करती है, जबकि अक्सर उनके सोने के लिए बिछे चादर पर गंदगी फैला देते हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी करने के दौरान अपना सारा सामान प्रतीक्षालय में छोड़कर जाना पड़ता
जाता है और इस दौरान उनके सामान की कोई सुरक्षा नहीं हो पाती है, जिससे एक दिन उनकी जेब से किसी ने रुपये भी निकाल लिए थे। साथ ही कहा कि जब वो सभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो दूसरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इधर पिपराती स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार का कहना है कि उन्हें विभाग से किसी प्रकार का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे वो एसआई और हवलदार को रूम उपलब्ध करा सके, लेकिन विभाग के आदेश मिलने पर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। समस्या यही है जो एस एस साहब तो कहे जो एक दिन के लिए बेटिंग साफ करवाए रहिए इसमें जी, उसके बाद में देंगे, उसके बाद में शाम में आके बोले कि बेटिंग हॉल खाली कीजिए, हम लोग आपको बुलाए हैं नहीं, जहाँ मन है वहाँ रहिए। उसके बाद मेरा कमान अभी तक राइफल आमद नहीं यहाँ किए, मैं अपने बड़े बाबू बड़े पदाधिकारी को बड़े बाबू को सूचना दिए, बराबर एक दिन के बाद एक दिन देते हैं, वही कहते हैं कि जो अभयपुर में तो सिपाही प्रतीक्षालय में रह रहा है तो वहाँ व्यवस्था सही है, यहाँ व्यवस्था नहीं सही। अच्छा, आपने बताया नहीं आपके यहाँ ऊपर रूम खाली है? ऊपर रूम खाली है, वो बड़ा बाबू और स्टेशन साहब दोनों आदमी देख के और अगल बगल में भी जाके घूम के रूम देखा है, 5-7 रूम बढ़िया अच्छा अच्छा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद, एक गिरफ्तार। जेएलएमसीएच में टीबी एवं चेस्ट विभाग में होगी पीजी की पढ़ाई, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी मान्यता। बारिश नहीं होने से किसानों में छाई मायूसी, सरकार द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने से धान की रोपनी प्रभावित। और व्हाट्सएप ग्रुप में 2 महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीणों ने महिलाओं की जमकर की पिटाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।